आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज मैं आपको एक अलग तरीके के पुलाव बनाना सिखाती हूँ। वैसे पुलाव तो आपने बहुत खाए होंगे, सब तरह के बनाते हैं, सभी बनाते हैं, पर लेकिन मैं आज अलग तरीके के बनाऊँगी, वो आप बनाएंगे तो आपको भी पसंद आएंगे। इसके अंदर जो सामग्री चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। पहले हम लेते हैं एक गिलास चावल, फिर लेते हैं हम एक कटोरी मटर और थोड़ी सी गाजर, वो हमने कस के रख ली थी। ये तेज़पात के पत्ते हैं, 3-4 बड़ी इलायची हैं, थोड़ा सा जीरा है, 8-10 लौंग हैं और ये थोड़ी सी 2-4 दाने दालचीनी के हैं, 8-10 काली मिर्चें हैं, थोड़ा 1 चम्मच नमक है, ये देसी घी है जिसमें से मैं 1 चम्मच यूज करूँगी। ये चावल मैंने पहले से आधा घंटा भिगो कर रख दिए थे। ये आधे घंटे हम भिगोएंगे तो चावल पुलाव अच्छे बनेंगे, इसलिए मैंने आधा घंटा भिगो दिया। आप भी आधा घंटा भिगो कर बनाएंगे तो पुलाव अच्छे बनेंगे। अब मैं गैस ऑन करने जा रही हूँ। ये पुलाव मैं फ़ैन में बना रही हूँ, आप कुकर में भी बना सकते हैं, मैं फ़ैन में ही बनाती हूँ। मैंने इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है, अब ये गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ये गरम मसाला खड़ा डाल देंगे। अब मैं इसके अंदर साबुत गरम मसाला डाल रही हूँ, कभी मैं आपको गरम मसाला भी बनाना बताऊंगी। अब ये मैंने पहले इसमें जीरा डाल दिया है, जीरा चटक रहा है, इसी के साथ हम लौंग डाल देंगे और दालचीनी भी डाल दी है हमने, अब हमने काली मिर्च भी डाल दी है, इलायची भी डाल दी है। अब हम इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। अब इसमें मैं तेज पत्ता भी डाल दूंगी, इसको भी हम अच्छी तरह से लाल कर लेंगे। खड़े मसालों का स्वाद अलग ही आता है। अब मैं इनको भून रही हूँ। अब इसके अंदर मैं 1 बाउल मटर डाल देती हूँ। अब हमने जितने चावल लिए थे उतना ही हमें इसके अंदर पानी ऐड करना है। मैंने 1 गिलास चावल लिए थे तो मैं 1 गिलास ही पानी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये मैंने 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल देती हूँ। अभी हम इसको पूरी तरह से हिला लेंगे, जब तक इसमें उबाल नहीं आता तब तक हम इसको ऐसे ही ढककर रख देंगे। अब ये 3-4 मिनट रखने के बाद मैंने इसको उठाया तो इसमें उबाल आ रहा है। अब इसे मैं धीमी कर देती हूँ आँच को और इसमें चावल ऐड करती हूँ। अब मैं इसके अंदर चावल ऐड कर रही हूँ, जो भीगे हुए चावल थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको मिला के मंदी गैस कर दूंगी और अब इसे हम कुछ देर के लिए 5-7 मिनट के लिए ढक देते हैं, धीमी आंच धीमी रखें। मंदी गैस पे ही इसको 15-20 मिनट के लिए रख दें और यदि आप कुकर में बनाएंगे तो 1 ही सीटी बहुत होगी। कुकर में 1 सीटी देने के बाद आपका पुलाव तैयार होगा। अब ये 10 मिनट रखने के बाद हमें लगता है कि हमारा पुलाव बन गया है। अब देखते हैं कि हमारे पुलाव
तैयार है। ओहो, इसमें तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि खड़े मसाले डालने की वजह से इसके अंदर खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। अब इसके अंदर इसे हम 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। थोड़ा ये ढकने के बाद और थोड़े पक जाएं। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ और 10 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ। ये ढक के रखने, 10 मिनट रखने के लिए, रखने के बाद बहुत अच्छे खिले खिले बन के आएंगे, पूरी तरह से पक कर और खिल के आएंगे चावल। गैस बंद करे हुए मुझे 10 मिनट हो गया है, मुझे लगता है अब ये हो गए हैं। अब मैं एक बार इसको हटाकर देख लेती हूँ। अब ये पूरी तरह से तैयार हैं। अब मैं इनमें थोड़ा सा गाजर मिला दूंगी। ये मैंने जो गाजर कस के रखी हुई थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है, वो मैं इसके अंदर मिला दूंगी। ये हमारे रंग बिरंगे चावल देखने में भी और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चे रंग बिरंगे देखकर बहुत पसंद करते हैं इनको। मैंने आपसे बोला था ना कि मैं एक नई तरीके के पुलाव बनाना सिखाऊंगी आपको। देखिए अब हमारे वो पुलाव तैयार हो गए हैं। अब मैं बाउल में पलट के आपको दिखाती हूँ। ये पुलाव हमारे तैयार हो गए हैं। ये पुलाव दही के साथ, रायते के साथ, प्लेन किसी तरह से भी आप खा सकते हैं। बच्चों को ये बहुत खाने में अच्छे लगते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को ज्वाइन करना। धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ।